हेलो बच्चों, वंस अगेन मोस्ट वेलकम ऑन फिजिक्स बाय सीपी तगाया। कैसे हो बच्चों? आप अच्छे होंगे उम्मीद ये करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, वापस लास्ट वीडियो में जिसकी हमने चर्चा करी थी उसी पॉइंट पर हम आते हैं। देखिए दोस्तों, ह्यूमन आइज का हमने स्ट्रक्चर सीखा, इसकी वर्किंग देखी हमने, कैसे सिग्नल ब्रेन तक पहुँचते हैं, कैसे हमारे को एक सीधी इमेज दिखाई देती है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और बात कर लेते हैं फिर हम जितने भी डिफेक्ट्स हैं ह्यूमन आई के उनको अपन पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर दो पॉइंट रेटिना पर और होते हैं दोस्तों, उनकी हम बात कर लेते हैं। इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, मीन्स फोकल लेंथ कितनी होती है ह्यूमन आइज की, उसकी बात करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, चलो आइए। तो रेटिना पर दोस्तों दो पॉइंट और होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट होता है दोस्तों यहाँ पर, इस जगह पर बिल्कुल मिडल में, जिसको कहा जाता है दोस्तों, क्या बोलते हैं, मैं सारा स्ट्रक्चर सारे पॉइंट्स आपके सामने है, फिर भी दो पॉइंट को मैं और डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने। देखिए एक पॉइंट है दोस्तों, इसको बोलते हैं येलो पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? येलो पॉइंट बोल दो या स्पॉट बोल दो, ठीक है, स्पॉट बोल देते हैं अपन। वैसे आइडियली स्पॉट लिखा जाता है, ठीक है, ये तो हो गया येलो स्पॉट। पर एक स्पॉट होता है दोस्तों इस जगह पर, ठीक है, जो नर्व सेल्स जो होती है दोस्तों, जो सिग्नल लेके जाती है ह्यूमन ब्रेन तक, वहां एक पॉइंट होता है, इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लाइंड स्पॉट, BLIND, ब्लाइंड स्पॉट। जैसा कि दोस्तों आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो क्लियर हो रहा है, ब्लाइंड स्पॉट ऐसा स्पॉट होगा जहां पे कुछ नहीं दिखाई देता, मीन सब कुछ ब्लाइंड ब्लाइंड ब्लैक ब्लैक वैसा हो जाता है। और येलो स्पॉट, येलो स्पॉट वो है जहां पर ह्यूमन आइज की सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है, मीन्स अगर ब्लाइंड स्पॉट पर अगर कोई इमेज बनती है रेटिना पर, देन वो हमें ब्लर दिखाई देगी, या हम कहें हमें दिखाई भी नहीं देगी, वी कांट विजुलाइज द ऑब्जेक्ट। ओके, दूसरा होता है दोस्तों येलो स्पॉट, जब भी रेटिना के येलो स्पॉट पर इमेज बनती है, देन जो आइज की सेंसिटिविटी होती है वो कैसी होती है दोस्तों? मैक्सिमम होती है, क्रिस्टल क्लियर इमेज दिखाई देती है हमारे को। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात करते हैं ह्यूमन आइज के डिफेक्ट की। चलो एक रेटिना की, ह्यूमन आइज की फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं। ह्यूमन आइज की जो फोकल लेंथ होती है दोस्तों, यहां पर कहने का मतलब जो भी इमेज फॉर्म होनी चाहिए वो कहां होनी चाहिए? रेटिना पर। सबका साइज अलग अलग होता है ह्यूमन आइज का, बट आइडियली हम ये कहें कि अप्रोक्सीमेटली जो साइज होता है ह्यूमन आइज का वो होता है दोस्तों यहां से लेकर जो इसकी फोकल लेंथ होगी अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली के लिए सिंबल लगा देंगे, कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2.5 सेंटीमीटर। किसी की आइज बड़ी है तो 2.6 भी हो सकता है, किसी की छोटी है तो 2.4 2.3 भी हो सकता है, बट एवरेज हम माने तो वो कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब बात करते हैं हम ह्यूमन आइज के डिफेक्ट्स की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला ह्यूमन आइज का डिफेक्ट होता है वो होता है मायोपिया। क्या होता है दोस्तों? मायोपिया, ठीक है, मायोपिया, जिसका साइंटिफिकली दूसरा नाम भी है। देखिए तो साइंटिफिक नेम हो गया, और सिंपल नेम की बात करें तो उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? शॉर्ट साइट, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं हम मायोपिया की, ठीक है, मायोपिया जिसका शॉर्ट नेम क्या है? शॉर्ट साइटनेस। अब देखिए सबसे पहले इसके लिए ह्यूमन इसके डिफेक्ट को समझ ले, डिफेक्ट होता क्या है, होता क्यों है। अब देखिए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये डिफेक्ट, दो डिफेक्ट होते हैं जिनमें इमेज क्या होती है? रेटिना पर नहीं बनती है। अब कहीं पर पहले बनती है, कहीं पर बाद में बनती है, उसको हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ह्यूमन आई का छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया। अब इसके लिए क्या होगी दोस्तों? ऑब्जेक्ट क्या होगा? फार ऑब्जेक्ट्स, मींस जो रेज होगी वो कैसी होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसकी जो इमेज बनने वाली है दोस्तों, वो बनने वाली है पहले, यानी रेटिना से पहले जब इमेज बन जाएगी, रेटिना पर तो नहीं बनी ना, तो रेटिना पर नहीं बनेगी, तो इमेज कैसी होगी? ब्लर होगी या धुंधली दिखाई देगी, मींस हमारे को क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो ये डिफेक्ट किसमें होता है दोस्तों? मायोपिया में, मींस शॉर्ट साइटनेस के अंदर, ठीक है।
अब जब इस डिफेक्ट को हम दूर करेंगे, ठीक है, तो डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमें एक ऐसे लेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो क्या करेगा, रेज को क्या करेगा, फैला देगा, ठीक है, मीन्स डाइवर्ज कर देगा। तो डाइवर्ज करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है दोस्तों? डाइवर्ज करने के लिए यूज होता है कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पे वापस एक डायग्राम बनाया दोस्तों, ये ह्यूमन आई का डायग्राम, ये डिफेक्टेड आई लेंस, और ये हो गया आपका ऑप्टिकल नर्व्स। अब जो रेज आ रही थी दोस्तों, पैरेलल तो आएगी, बट हम एक फाइनाइट फोकल लेंथ जो एडजस्टेड होती है, ताकि उसके लिए फोकस कहां पे क्रिएट हो, रेटिना पर क्रिएट हो। तो रेज पैरेलल आ रही है दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। यहां से लाइट क्या होगी, थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी, ये भी यहां से डाइवर्ज होगी। अब डाइवर्ज होने के बाद जो इमेज फॉर्म होगी दोस्तों, वो कहां पर होगी, रेटिना पर। अब जब रेटिना पर आपको कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसकी इमेज बनेगी, देन उसकी इमेज कैसी होगी, क्लियर होगी, साफ होगी, हमारा ब्रेन उसको बिल्कुल क्लियर दिखाएगा, ठीक है। तो मीन्स मायोपिया डिफेक्ट को सॉल्व करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं दोस्तों? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक हो दोस्तों। ये डिफेक्ट समझ में आया आपको, ठीक है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पर होगा, फार होगा, बहुत दूर होगा, ठीक है। और इमेज क्या होगी दोस्तों, रेटिना से पहले बनेगी, ठीक है। रेज को हमें डाइवर्ज करना है, डाइवर्ज करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा, और कॉनकेव लेंस यानी एक फाइनाइट फोकल लेंथ के कॉनकेव लेंस का जब हम यूज करेंगे, तब हमें जो इमेज मिलेगी वो कहां मिलेगी दोस्तों, रेटिना पर मिलेगी। और रेटिना पर मिलने वाली इमेज कैसी होती है दोस्तों, क्लियर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले डिफेक्ट की, जो है आपका हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है दोस्तों। मैं क्लियर कर देता हूं, ना बाद में बनानी है, हमें कब बनानी है, रेटिना पर। और रेटिना पर जब इमेज बनेगी तो इमेज कैसी होगी दोस्तों, क्लियर होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं दोस्तों, ये बना दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं हमें, चलो यहाँ ले लिया, ये जो आपकी ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व थी थोड़ी सी पीछे नीचे ले ली हमने, चलो ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमने लिया, ये ऑब्जेक्ट हो रहा है आपका, अब इससे इंसिडेंट रेज आई, और हमें एक एडजस्टेबल फोकल लेंथ का हमें क्या लेना पड़ेगा, ऐसा लेंस लेना पड़ेगा जो रेज को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, यानी फोकस कर देगा। तो फोकस करने के लिए दोस्तों कौन से लेंस का इस्तेमाल होता है दोस्तों, वी विल यूज कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो रेज है उसको थोड़ा सा फोकस कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, यानी फोकस कर देगा, उसको कन्वर्ज कर देगा। अब यहां से निकलने वाले रेज जब यहां जाके बनाती है, तो आपकी इमेज कहां पे फॉर्म करेगी दोस्तों, ये रेटिना पर फॉर्म करेगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं रेज करके ढंग से बना देता हूँ, यहां से बेंड होगी, और बेंड होने के बाद जो इमेज बनेगी दोस्तों, वो कहां बनेगी, रेटिना पर। और रेटिना पर बनने वाली इमेज कैसी होती है दोस्तों, क्लियर होती है। और जो यहाँ पे इमेज बनेगी, उसका सिग्नल कौन पहुंचाएगी दोस्तों, ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑप्टिक नर्व से सिग्नल कब पहुंच जाएगा, ह्यूमन ब्रेन में, और हमारे को जो इमेज दिखाई देगी ऑब्जेक्ट की, वो कैसी दिखाई देगी, क्लियर दिखाई देगी, मीन्स ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। कौन से लेंस का यूज करते हैं, मैं नाम लिख देता हूं उसका, कॉन्वेक्स लेंस। कैसे लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया ऐसा आई डिफेक्ट है जिसमें ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट हमारे को क्लियर नहीं दिखाई देते, इमेज का फॉर्म होती है रेटिना से पीछे फॉर्म होती है। और इसको करेक्ट करने के लिए हम एक एडजस्टेबल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, उसके बाद वो उसको क्या करेगा, फोकस कर देगा, और इमेज कहां पर फॉर्म होगी, रेटिना पर फॉर्म होगी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम थर्ड डिफेक्ट की, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रेस बायोपिया की, ठीक है। प्रेस बायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जो ओल्ड एज में होता है दोस्तों। कैसी एज में होता है दोस्तों, ओल्ड एज, जितने भी ओल्ड पर्सन होते हैं। अब उनको ये डिफेक्ट कैसे होता है, देखिए पहली चीज़ तो उनकी जितने मसल्स होती हैं आइज की, वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो उनमें ये डिफेक्ट आ जाता है। अब इसमें होता क्या है, इनको ना तो फार ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, मीन्स जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होंगे उसकी इमेज रेटिना से पहले बनती है,
और जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों, उसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। मीन्स उनको तो दोनों डिफेक्ट है, मीन्स या तो हम ना तो पर्टिकुलर कॉनकेव लेंस का यूज कर सकते हैं और ना ही पर्टिकुलर कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कैसे लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, इसके लिए जिस लेंस का उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा बेटा आपके जितने भी ओल्ड पर्सन, ओल्ड मैन जो घर में होते हैं, ताऊ जी दादाजी, उनके लिए एक ऐसे स्पेक्स होते हैं जिनमें दोनों लेंस होते हैं, जिसको बोला जाता है बाई फोकल लेंस। क्या बोलते हैं? बाई फोकल लेंस। अब बाई फोकल लेंस कैसे होते हैं, मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप में होता है, ये इसका लेंस का स्ट्रक्चर हुआ और इसके मिडल में यहां पे कॉन्वेक्स होता है, कैसा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और साइड में होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये सिंगल लेंस की बात करी, अगर मैं इसको साइड में से देखता हूं दोस्तों तो कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, इसका जब साइड व्यू देखा जाएगा तो ऊपर से तो कॉन्वेक्स रहेगा, मीन्स कॉनकेव रहेगा, और ये मिडल में आने के बाद ये कैसा हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। मैंने एक स्ट्रक्चर को क्या लिया है, ये फ्रंट व्यू लिया है, ये कैसा व्यू है, साइड व्यू, यानी साइड में से तो कैसा है, ये कॉनकेव है, और नीचे से कैसा है दोस्तों, ये कॉन्वेक्स है। मीन्स ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ऊपर वाला पार्ट काम में आता है, और नियर ऑब्जेक्ट्स मीन्स न्यूज पेपर वगैरह, इनको रीड करने के लिए या कोई राइटिंग लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, वो कौन से लेंस का, मीन्स दादा दादी वगैरह, अगर दादी अगर घर में सेविंग कर रही है तो सुई में धागा वगैरह डालने के लिए, मशीन चलाने के लिए, उनके लिए कैसे लेंस का उपयोग करेंगे, ये बाय फोकल लेंस, इसको बोला जाता है बाय फोकल लेंस, ठीक है। इसमें कौन कौन से लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस भी होता है और कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया जिसमें ना तो फार ऑब्जेक्ट दिखाई देता है और ना ही नियर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, मीन्स इमेज क्या होती है दोस्तों, फार ऑब्जेक्ट के लिए रेटिना से पहले बनती है और नियर ऑब्जेक्ट के लिए रेटिना से पीछे बनती है, और इसके करेक्शन के लिए हम बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। कैसे लेंस का यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस का, ठीक है। अब बात करते हैं हम फोर्थ डिफेक्ट की, जिसको बोलते हैं एस्टिगमेटिज्म, ठीक है। मैं जब तक बोर्ड क्लियर कर देता हूं, स्लाइड को रोक देता हूं, अब देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने फोर्थ डिफेक्ट का, जिसको बोला जाता है दोस्तों एस्टिगमेटिज्म। क्या बोला जाता है, एस्टिगमेटिज्म, ठीक है। मैं फोर्थ पॉइंट लिख देता हूं, एस्टिगमेटिज्म। अब दोस्तों इस डिफेक्ट में क्या होता है, देखिए यहां पर अगर फार ऑब्जेक्ट होगा तब भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहा है दोस्तों, फार है, तब इसकी इमेज का फॉर्म होती है दोस्तों, तब भी इसकी इमेज रेटिना पर फॉर्म होती है। अगर ऑब्जेक्ट कैसा हो, नियर हो, पास में हो, तब भी इसकी इमेज कैसी फॉर्म होती है दोस्तों, रेटिना पर ही फॉर्म होती है। तो आप बोलोगे यार डिफेक्ट का है फिर, इसमें डिफेक्ट क्या होता है दोस्तों, इसमें डिफेक्टेड होती है रेटिना। क्या डिफेक्टेड होती है, रेटिना डिफेक्टेड होती है, डिफेक्टेड रेटिना, ठीक है। इससे पहले तो क्या हो रहा था दोस्तों, इमेज रेटिना से पहले या बाद में बन रहे थे, ठीक है। मीन्स वहां पे कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्तों, या तो सिलेरी मसल्स काम नहीं कर रही होगी, या लेंस में कोई डिफेक्ट होगा, ठीक है, या आपकी आयरिस काम नहीं कर रही, इंटेंसिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बट यहाँ पर रेटिना में डिफेक्ट होता है। किसमें डिफेक्ट होता है दोस्तों, रेटिना में डिफेक्ट होता है। अब देखिए, तो यहाँ पर जैसे ये ऑब्जेक्ट लिया हमने, ठीक है, जैसे कोई विंडो है, अब सामने वाले बंदे को डिफेक्ट किस टाइप का है, वो ना तो स्ट्रक्चर को, यानी सामने वाले जो ऑब्जेक्ट है वो या तो उसको पास दिखाई देगा, या थोड़ा सा दूर दिखाई देगा, या उसको कैसा दिखाई देगा, दिखाई क्लियर देगा, या उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसको एक फिक्स फाइनाइट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज नहीं दिखाई देगी। मीन्स एक्स वाई जेड तीन डायमेंशन होती है दोस्तों, एक्स वाई जेड में कॉम्बिनेशन नहीं होता है। हो सकता है कि डिस्टेंस में उसका डिफेक्ट आ रहा हो, या उसके हाइट में डिफेक्ट आ रहा है, पर्टिकुलर हाइट, लेंथ और ब्रेथ तीनों में डिफेक्ट हो सकता है, या पर्टिकुलर किसी एक चीज में भी डिफेक्ट हो सकता है। तो इस डिफेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों वो कैसा दिखाई देगा सामने वाले को, जो उसकी इमेज दिखाई देगी, हो सकता है कि उसको इस टाइप में दिखाई दे लहराती हुई, मीन्स यहाँ पे कोई इसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो सामने वाले को जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, करप्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब करप्ट स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो इट इज ए आई डिफेक्ट। तो इस डिफेक्ट को बोला जाता है दोस्तों एस्टिगमेटिज्म।
ऑप्टिज्म। इसमें डिफेक्टेड क्या होती है दोस्तों, रेटिना डिफेक्टेड होती है। मीन्स ना तो कॉनकेव लेंस से उसका ये डिफेक्ट क्योर हो सकता है, ना कॉन्वेक्स लेंस से हो सकता है। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को क्योर करने के लिए दो टाइप के लेंसेज का यूज होता है। वो कौन से होते हैं दोस्तों, सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, इसको क्योर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस जो बहुत कम होता है दोस्तों ये डिफेक्ट, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज हो सकता है। कैसा लेंस? सिलेंड्रिकल लेंस, या यूज हो सकता है स्पेरिकल लेंस। कैसा लेंस? स्पेरिकल, मीन्स पूरा स्पेरिकल लगा दिया। ठीक है, स्पेरिकल लेंस। वैसे स्पेरिकल लेंस में आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों भी स्पेरिकल लेंस होते हैं, बट ये पूरा स्पेयर है। ठीक है, ये यूज किया जाता है। तो आई होप दैट दोस्तों आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा और सारे डिफेक्ट अच्छे से क्लियर होंगे। कोई भी डिफेक्ट आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, आई विल सॉल्व योर डाउट्स।